हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की तरफ से एग्ज़ाम्स को लेकर एक बड़ी न्यूज़ सामने आई है। सो आज की वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन और उसकी प्रेपरेशन आपको इस चैनल पर कराई जाएगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम उस नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यह मिलता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने जुलाई में परीक्षाएं कराने का फैसला कर लिया है। तो इसमें जो भी क्राइटेरिया होगा उसकी घोषणा कर दी गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोरोना के बिगड़े हालातों को देखते हुए परीक्षाएं कराए जाने के तरीके को लेकर एक SOP जारी किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग 150 स्टूडेंट परीक्षा दे पाएंगे एक टाइम में, और हर एक पेपर जो है 2 घंटे का होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट, टीचर या स्टाफ के किसी भी मेंबर में अगर कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे तो उसको परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के 2 हॉस्टल हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। इसके अलावा सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्टूडेंट्स, टीचर एंड किसी भी मेंबर को, कर्मचारी को यूनिवर्सिटी में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा एग्ज़ाम हॉल को सैनिटाइज किया जाएगा। हर एक शख्स की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अलावा हर एक कमरे में 15 से ज़्यादा स्टूडेंट्स परीक्षा नहीं दे पाएंगे। 15 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के अलावा किसी को भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा ये बड़ी खबर है, अगर कोई एरिया ऐसा है जिसको रेड जोन माना जा रहा था, वहाँ के स्टूडेंट्स को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो उसके लिए एक अलग से इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको डाउनलोड करना अनिवार्य माना जा रहा है। तो ये थी आज की एक बड़ी खबर जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने एग्ज़ाम लेने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा जब भी डेट शीट जारी की जाएगी तो आपको इस चैनल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो ऐसी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।